हाय दोस्तों, नमस्कार। ये आप देख सकते हैं, पियर का स्टील का रेनफोर्समेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये ब्रिज नंबर 180 का P1 पियर नंबर है। आप देख सकते हैं, ये इसका काफ़ी हैवी राफ्ट है, जो कि 25 बाई 18 मीटर का राफ्ट है। देख सकते हैं, ये जो कि कंक्रीट के लिए रेडी है। कुछ टाइम बाद कंक्रीट का कास्टिंग होने जा रहा है, तो अभी बूम प्लेसर का भी वेट हो रहा है। जैसे बूम प्लेसर आएगा तो ये कास्टिंग के लिए एकदम बिल्कुल रेडी है। देख सकते हैं, ये वर्टिकल रिइंफोर्समेंट एकदम स्ट्रेट पे बंधा हुआ है। इसका जो डायमेंशन है वर्टिकल पियर का, 2 मीटर बाई 18 मीटर इसकी हाइट है और 9 मीटर 500 इसकी चौड़ाई है। और इसमें जो स्टील लगा हुआ है, 32 mm का स्टील लगा हुआ है। अभी फुल लेंथ 12 मीटर का वर्टिकल स्टिक खड़ा हुआ है, देख सकते हैं। और इसमें जो बॉटम मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो लगा हो, तो 32 mm डाया का स्टील लगा हुआ है। और इसकी जो स्पेसिंग है 100 mm, सेंटर टू सेंटर 100 mm है। और जिसमें जो लैपिंग दिया गया, आप देख सकते हैं, अब दिख रहा होगा, अल्टरनेट जो लैपिंग दिया हुआ है 50D है, मीन 1600 इसका दिया है। और देखिए, इसे शटरिंग का पूरा काम एकदम फिनिशिंग के साथ दिख रहा होगा आपको। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा सपोर्ट लगा हुआ है। एक देख सकते हैं, यू जैक बेस जैक पूरा प्रॉपर तरीका से लगा हुआ है। और इसका प्रॉपर अलाइनमेंट भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, पूरा लाइन डोरी की हेल्प से इसका पूरा अलाइनमेंट भी हो गया है। ये देख सकते हैं, एकदम सीधा दिख रहा है। और इसमें इसके जो साइड में जो कवर 75 mm का कवर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, कवर ब्लॉक भी लगा हुआ है। और देखिए, स्टेजिंग के द्वारा, पाइप सपोर्ट के द्वारा वर्टिकल का स्टील एकदम सीधा दिख रहा होगा आपको। और ये राफ्ट जो है ओपन फाउंडेशन है, आप देख सकते हैं, एकदम यहाँ का जो स्ट्रेटा था, हार्ड स्ट्रेटा, देख सकते हैं, वो जल से 4 मीटर नीचे इसका फाउंडिंग लेवल है, देख सकते हैं, जो कि ब्लास्टिंग के द्वारा निकाला गया है। यह इग्नियस टाइप का रॉक निकला हुआ है, आप देख सकते हैं, प्योर इग्नियस रॉक। और ये 180 का P1 पियर है। और लास्ट में आपको दिख रहा होगा, वो अबटमेंट A1 है, जो कि A1 पूरा कास्टिंग हो चुका है। उसका फर्स्ट लिफ्ट ट्रेनिंग वॉल, अपार्टमेंट वॉल का कास्टिंग हो चुका है, और सेकंड लिफ्ट का उसमें शटरिंग लगा हुआ, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं, ये P2 का एक्सकवेशन हो चुका है। और देख सकते हैं, P2 और P1 का एक्सकवेशन कंप्लीट है। ये सेम, इसका भी सेम डायमेंशन है, जैसे कि जितना P1 का है, ये भी 25 बाई 18 मीटर है। इसका पूरा एक्सकवेशन कंप्लीट है, इसका PCC भी हो चुका है। और इसमें अभी डिवाटरिंग का काम बचा हुआ है, डिवाटरिंग करके और सर्वेयर के द्वारा पॉइंट, सर्वर से पॉइंट लेकर इसका स्टील कटिंग बेंडिंग पूरा हो चुका है। Within 2 डेज इसका भी स्टील का प्लेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये PR P3 है, जो कि इसका जो लेवल है P2 के कंपेयर पे हाइट पे है, जो कि 8 मीटर हाइट पे है। ये आपको दिख रहा होगा, इसका पूरा कास्टिंग हो चुका है। अभी कुछ टाइम बाद कंक्रीट का स्टार्ट होगा। अभी देख सकते हैं, कुछ तैयारियां हो रहा, चेकलिस्ट हो रहा है। अभी कुछ मैन पावर सभी कुछ काम, जो रिमेनिंग काम बचा है, लिंक वार का को बेंडिंग कर रहे हैं। ये देखिए, पूरा टेम्पलेट के द्वारा इसको पूरा वर्टिकल एक्सटेंड किया गया है। ये आप देख सकते हैं, इसमें लिंक वार का प्रॉपर अलाइनमेंट करके लगाया गया है। देखिए, इसका जो बोथ डायरेक्शन में, अलोंग द ट्रैक, क्रॉस द ट्रैक, दोनों डायरेक्शन में 200 की स्पेसिंग में लिंक बार प्रोवाइड किया गया है, आपको दिख रहा होगा। और शटरिंग को प्रॉपर होल्ड कर दिया गया, जिससे शटरिंग कास्टिंग के टाइम पर शटरिंग खुले ना, इसलिए इसे को प्रॉपर बाइंड कर दिया गया है। ये देख सकते हैं, और आप इसकी लैपिंग भी देख सकते हैं, अल्टरनेट बधी हुई लैपिंग बधी हुई है, देख सकते हैं, इसका 50D लैपिंग है, मीन्स 1600 दिया हुआ लैपिंग। और ये अपना पियर है, देख सकते हैं, पियर सर्कुलर पोर्शन में भी, देखिए, सर्कुलर पोर्शन भी है, रेक्टेंगल पोर्शन भी है। इसका जो इनर डायमेंशन है 2 मीटर है, ये देख सकते हैं।
और इसकी हाइट फुल लेंथ 12 मीटर की स्टील लगा हुआ है। देन इसके बाद इसका लैपिंग किया जाएगा, एक 12 मीटर फुल लेंथ, एक 6 मीटर दिया जो कि अल्टरनेट पे है, अभी बाइंड किया जाएगा। और ये एक हैवी ओपन फाउंडेशन है जिसमें इसमें कंक्रीट के क्वांटिटी जो है कि 900 MQ कंक्रीट कास्टिंग है, और इसमें जो स्टील लगेगा 200 टन का समथिंग इसका स्टील है। और ये अप्रोक्स 4 to 5 डेज का कास्टिंग चलेगा जो कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन कहलाएगा। और इसमें जो कंक्रीट बैचिंग प्लांट से आता है वो काफ़ी दूर से आता है, 7 से 8 किलोमीटर पर आता है। हमारे पास 13 नंबर सा TM है जो कि आने में उसको टाइम लगेगा, समथिंग 40 मिनट लगता है। और इसमें 2 बूम प्लेसर रहेंगे, अपन कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका कास्टिंग हो जाए। दोस्तों नमस्कार, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो लाइक शेयर और कमेंट करें।